जय श्री राम कोरियन सके व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 37 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शुआनु ली जिंग को रोते हुए पुकार कर कहती है, मैजेस्टी आप उस पे बिलीव ना करें। जो चुड़ैल बाईशान ने कहा, उससे मुझे ऐसा बनाने के लिए कुछ मैजिक यूज किया है। मैं और बाईशान हम बचपन से ही बैड टर्म्स में रहे हैं, आप उस पे बिलीव मत करना। लीजिंग कहता है, हमारी शादी को 70,000 ईयर्स बीत गए हैं, बट मैं तुम्हें अब तक समझ नहीं पाया हूँ। श्वानू रोते हुए कहती है, 70,000 ईयर्स, आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। लीजिंग कहता है, तुमने सेलेस्टियल ट्राइब और चिंचू को ऑफेंड किया है, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँ? क्या तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सेलेस्टियल ट्राइब और चिंचू का दुश्मन बन जाऊँ और गोस्ट टाइम में लाशों का ढेर लगा दूं? श्वान्यो कहती है, पायशान मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने टैक्टिकल फॉर्मेशन को कुनलुन माउंटेन से चुराया, मेरी वजह से उसके मास्टर मरे, इसलिए वो मुझसे 70,000 ईयर से नफरत करती है। वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके मुझे मारना चाहती थी, बट मैंने टैक्टिकल फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए चुराया था क्योंकि आपके फादर आपको मारना चाहते थे। मैंने तो आपकी लाइफ बचाई है, सेलेस्टियल ट्राइब और चिंचू को मैंने आपके लिए ही धोखा दिया है, अब आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ली जिंग दुखी मन से कहता है, भले ही मैं गवर्नमेंट अफेयर को नेगलेक्ट करूं, पर मैं गोस्ट लॉर्ड भी हूं, जिन्हें मैं बचाना चाहता हूं वो मेरे लोग हैं। वो गार्ड्स को बुलाकर आर्टिक लैंग की जेल में शान्यो को डलवा कर कहता है, मैं डिसाइड करूंगा गोस्ट क्वीन को पनिश करने के लिए। सोल्जर्स शान्यो को लेकर जाते हैं, वो चीखती चिल्लाती है। यहाँ शान्यो आर्टिक लैंग की जेल में बंद होती है और चीखती चिल्लाती कहती है, मैं गोस्ट क्वीन हूँ, निकालो मुझे बाहर, हाउ डेयर यू, तुम मुझे यहाँ लॉक कर कैसे सकते हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो रोते हुए कहती है, मैजिस्ट्री आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, बिना मेरे आप गोस्ट लॉर्ड नहीं बन पाते। 70,000 ईयर से हम मैरिड हैं, पर तुम एक्चुअली मेरी खाल उधरवाना चाहते हो, वो भी इस चुड़ैल पैशन के लिए। तभी उसे आवाज आती है, वो पूछती है, कौन हो? ली युआन कहता है, श्वानु। श्वानु पूछती है, तुम ली युआन हो? इम्पॉसिबल, जब फार नॉर्थ में तुमने 300 ईयर्स पहले वॉर की, क्या लीजिंग ने तुम्हें मारा नहीं? ली युआन पूछता है, क्या लीजिंग ने तुम्हें यही बताया? मैं यहाँ डार्क प्लेस में 300 ईयर्स से बंधा हूँ, गोस्ट ट्राइब के लिए ली युआन मर चुका है। वो हंसता है। शान्यु कहती है, इससे मेरा क्या लेना देना, भले ही तुम मरो या जिंदा रहो, एटलीस्ट उसने तुम्हें जिंदा यहाँ बंद करके रखा है, पर वो तो मेरी खाल उधरवाना चाहता है, वो भी उस चुड़ैल पायशान के लिए। ली युआन पूछता है, वो तुम्हारी खाल उधरवाना चाहता है, तो उसने तुम्हें इमॉर्टल सील में लॉक क्यों नहीं किया? श्वानु खुश होकर कहती है, जानती थी कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारी शादी को 70,000 ईयर्स बीत गए हैं, हमारे एक बच्चा है, उन्होंने तो मुझे पायशान के कुलून फैन से भी आज बचाया है, बट सो व्हाट, हम मैरिड हैं। अगर उन्हें अपनी वाइफ की इतनी चिंता होती तो वो सेलेस्टियल ट्राइब में जाकर मेरे लिए लड़ते, वो तो सेलेस्टियल ट्राइब के लिए मुझे मारने को भी तैयार है, वो गोस्ट लॉर्ड है, जस्ट बिकॉज एक वर्ड, वो भी सेलेस्टियल के क्राउन प्रिंस की तरफ से, वो अपनी क्वीन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ली युआन कहता है, अगर वो तुम्हें नहीं बचा सकता तो क्या तुम खुद को नहीं बचा सकती? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। श्वानु कहती है, अगर तुम इतने लायक होते तो यहाँ 300 ईयर्स से बंधे नहीं होते। ली युआन कहता है, ली जिंग ने मुझे मेरी पार के साथ सील करके यहाँ बांध दिया, इसलिए मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, पर तुम भाग सकती हो, क्या तुम यहाँ से जिंदा बचना नहीं चाहती? शान्यु एग्री करके कहती है, मैं यहाँ ऐसे मरना नहीं चाहती, अगर मैं मरी तो मैं चाहती हूँ कि चुड़ैल बाईशान मुझसे पहले मरी। ली युआन खुश होता है। यहाँ ली जिंग को बाईशान के साथ बिताए हुए एक एक पल याद आते हैं। यहाँ हेवंस में ये हुआ को शान्यु की बात याद आती है कि क्राउन प्रिंस आप इस चुड़ैल बाईशान को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आप नहीं जानते ये और इसके मास्टर। पैशन कहती है, श्वानु मेरे मास्टर की बॉडी एक्सट्रीमली प्रेशियस है, उन्हें 70,000 ईयर से मेरे दिल से ब्लड मिला है, मुझे डर है कि तुम्हारा बेटा उसे हैंडल न कर पाए। तभी वहाँ लियांगसोंग आकर कहता है, मैंने तियांचू से सुना कि तुम गोस्ट में भागे हुए गए अपने प्यार को बचाने, मुझे तो लगा कि तुम वहाँ तगड़ी लड़ाई करोगे, पर तुम यहाँ बिना जख्मी के वापस कैसे लौट आए? सब पे बात पैशन की आती है, तुम अधमरे या फिर पूरी बॉडी में जख्मी लौटते हो। युवा पूछता है, पहले क्या आप हाई गॉड मोयुआन को अच्छे से जानते थे और उस हाई मोटर सीन को, क्या वो वाकई में मोयुआन की फेवरेट डिसिप्लिन थी जैसे रूमर कहते हैं? लियांगसोंग पूछता है, सडनली तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने पहले उन दोनों को देखा है, मोयुआन का उस डिसिप्लिन के साथ स्पेशल रिलेशनशिप था, जब लॉर्ड ऑफ ट्रेजर की गैदरिंग हुई मोयुआन सब उसी को लाई थी। मैंने तो एक और रूमर भी सुना है कि जब याओ गुआंग मोयुआन को पहले प्यार करती थी और उसने अपना घर जबरदस्ती से कुलन माउंटेन में बसा लिया, बाद में जलन की वजह से उसने सीन को पकड़ लिया, वो युआन को बहुत गुस्सा आया तो वो याओगुआंग के वाटर प्रिजन जेल में येलो एम्परर स्वॉर्ड से आधी रात में सीन को बचाने में गए। इसकी वजह से वो युआन और याओगुआंग के बीच बहुत बड़ी फाइट हुई,
उन्होंने कुल्लू माउंटेन से ही आउगाओं को बाहर निकाल दिया। अगर यह सच है तो मो युआन वाकई में अपने डिसिप्लिन सीएन से वाकई में प्यार करते थे। ये हुआ मन में कहता है, श्यान क्या तुम मेरे बारे में भूल गई हो? क्योंकि तुम हमारा प्यार बुलाना चाहती थी और इसलिए नहीं कि तुम मुझे ब्लेम करना चाहती थी कि मैंने तुम्हारी आंखें निकाली। तुम 70,000 ईयर से सिर्फ एक ही इंसान का वेट कर रही थी। क्या वो हमेशा से मो युआन ही था? वो वहाँ से जाता है, तभी लियांग सॉन्ग उसे रोक कर कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? युवा कहता है, श्यान के उठने का टाइम हो गया है, मुझे उसे मेडिसिन देनी है। युवा के जाने के बाद लियांग सॉन्ग कहता है, हमारा क्राउन प्रिंस कभी भी पाइशन के हाथों से नहीं निकलता। तभी वहाँ म्याओ आकर पूछती है, हाइनेस कहाँ है? उन्होंने मुझे नई टी लाने को कहा है। अब वो गायब भी हो गए। लियांग सॉन्ग बताता है वो चिंगचू गई है। म्याओ मुंह बनाकर कहती है, फिर से चिंगचू? लियांग सॉन्ग कहता है, प्रिंसेस म्याओ चिंग एक एडवाइस देता हूँ, आपने अपना दिल गलत इंसान को दे दिया है। आप वापस घर जाओ और अपने ब्रदर से कहो कि आपके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दे शादी के लिए। भले ही तुम यहाँ 1 लाख ईयर्स तक यहाँ मेड बनकर रहो, ये हुआ की नजरें तुम पे कभी नहीं पड़ेंगी। यहाँ बायशान सोकर उठती है, वो कहती है, पीफांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीफांग कहता है, तुम कैसा फील कर रही हो? बायशान कहती है, सोकर अच्छा फील हो रहा है, तुम वैसे ही में नहीं गए। फोर ब्रदर बाइसन तुमसे मिलने नहीं आए? पीफांग पूछता है, प्यास लग रही है तुम्हें? पानी तुम क्या? वो उसे पानी देता है। बायशान पानी पीकर कहती है, थैंक यू ब्रदर, मैं फोर ब्रदर हूँ ना, लड़ाई की वजह से मेरा मैजिक वीक हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारा चेंज अपीयरेंस मैजिक को देख नहीं पा रही हूँ। आपने पीफांग का अपीयरेंस लिया है ताकि आप मुझे छेड़ दे? ठीक है, आप उसके जैसे लग रहे हैं, बट आपकी पर्सनालिटी अलग है। आपने देखा नहीं पीफांग मुझे कैसे ट्रीट करता है? वो तो बिल्कुल अलग है और वो मुझे टेंशन नहीं देता। पीफांग कहता है, मैंने अपीयरेंस चेंज नहीं किया, मैं वाकई में पीफांग हूँ। जियान और बाइजन दोनों वैसे ही किसी काम से गए हैं, मैं पीच वुड में बोर हो रहा था तो तुमसे मिलने चला आया। बायशान हिचकिचाते हुए कहती है, तुम वाकई में पीफांग हो? हाँ, तुम्हारा बर्ड टाइप हमारे फॉक्स टाइप से बहुत अलग है, मैं तो बकवास कर रही थी। तुम बात दिल पे मत लेना। पीफांग कहता है, मैं तुम्हारी साइड तब भी होता जब भले ही मैं बहुत जख्मी होता, मैं उन्हें तुम्हें एक बार भी हर्ट करने नहीं देता। बायशान एग्री करके कहती है, हम फॉक्स टेंस है ना, बट अगर तुम्हारी लड़ाई किसी से भी हो जाए तो मैं तुम्हें चेयर अप जरूर करूंगी। पीफांग कहता है, श्यान तुम बेवकूफ बनने का नाटक कब तक करोगी? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, जब से मैं चिंगचू में आया हूँ तुम ये सब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कह रही हो? बायशान शॉक होकर कहती है, क्या कहा तुमने? पीफांग कहता है, क्योंकि तुम सेलेस्टियल के क्राउन प्रिंस के साथ एंगेज हो, मैंने अपने फीलिंग्स को दिल में ही छुपा लिया, बट तुम ऐसे डिजास्टर से गुजरी हो, इट ये हुआ तुम्हें एक बार भी नहीं बचा पाया। जब मैं बाहर था मैंने उसके बारे में पता किया और मैंने सुना कि उसकी एक साइड वाइफ भी है, किसे पता कि वो रोमांटिक जैसा दिल से तुम्हें ट्रीट करेगा या नहीं। मैं शांति से कैसे रह सकता हूँ जब तुम उसके साथ होंगी? तभी पीछे ये हुआ बायशान के लिए मेडिसिन लेकर आता है। बाहर मीगू कहता है, पीफांग जिद्दी है, उसे पता है कि आर्ट और क्राउन प्रिंस एंगेज है, फिर वो पीछा ही नहीं छोड़ा। कहते हैं बर्ड्स बहुत पेयरफुल होते हैं, अगर उन्होंने अपना दिल किसी एक इंसान को दे दिया तो वो उस पर्सन के साथ हमेशा रहते हैं। पीफांग तुम कर क्या रहे हो? वो खाना बनाते हुए कहता है, बट अजीब है, क्राउन प्रिंस हाई गॉड मो युआन को वापस ले आए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या कहीं वो पहले से जानती थी कि आंटी सीएन थी? यहाँ ये हुआ बायशान को मेडिसिन देता है। बायशान सिचुएशन समझकर पीफांग से कहती है, देखो मैं पहले सेलेस्टियल ट्राइब से एंगेज हूँ, मुझे खुशी है कि तुम मुझे पसंद करती हो, हमारी किस्मत साथ नहीं है, सो हमें सोचना चाहिए कि जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। पीफांग कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं सेलेस्टियल ट्राइब से लड़ने को भी तैयार हूँ। ये हुआ का अजीब जेलस वाला रिएक्शन होता है। बायशान पीफांग को टरकाती हुई कहती है, क्यों ना तुम पहले जाओ? पीफांग जिद करके पूछता है, क्या तुम मेरे साथ होना चाहती हो भी या नहीं? बायशान ये हुआ के सामने हिचकिचाते हुए कहती है, मैं वो हूँ जो प्रॉपर एटिकेट को रिस्पेक्ट करे, मेरी एंगेजमेंट सेलेस्टियल ट्राइब से फिक्स है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती ताकि चिंगचू और नाइन हेवंस पूरे देखे, है ना? मुझे खुशी है कि तुम मुझे पसंद करते हो, बट हमारी किस्मत एक नहीं है। मैं अब ज्यादा नहीं कहूँगी, अगर तुम अपनी फीलिंग्स मेरे लिए नहीं रोक सकते तो उन्हें पूरा छुपा तो सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करती हो, मैं हमेशा याद रखूंगी। पीफांग गुस्से में चला जाता है। तभी ये हुआ बड़े प्यार से बायशान को मेडिसिन पिलाता है, बट बायशान कहती है, मैं खुद पी लूंगी। मेडिसिन पीने के बाद वो कहती है, जाओ तुम अपना काम करो, मैं बहुत थक गई हूँ। ये हुआ कहता है, श्यान क्या तुम्हें पता है जब भी तुम मुझे अपने पास रहने देना नहीं चाहती तुम यही रीजन हमेशा यूज करती हो कि तुम बहुत थक गई हो? बायशान हंस के कहती है, सच में? मैं तो ये पहली बार कह रही हूँ। ये हुआ उसके करीब जाकर कहता है, श्यान जो भी तुमने कहा वो दिल से कहा। बायशान मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? एक को हटाने के बाद अब दूसरा आ गया। ये हुआ उसे बड़े प्यार से छूकर कहता है, तुम मुझे अपने इतने करीब आने दे रही हो, जब मैं चिंगचू में आया
तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या वो इसलिए किया क्योंकि हम इंगेज हैं? अगर तुम किसी और से ऐसे ही इंगेज होती, क्या तुम उसके साथ तब भी ऐसी ही होती? भाईशान मन में कहती है, ये इतना अजीब क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये ऑब्वियस नहीं है? अगर हम इंगेज नहीं हुए होते तो यहाँ फ्रीली आ जा सकता था। मीगो तो इन्हें पहले ही बाहर निकाल देता। जब ये पहली बार चिंचू में आते तो ये फॉक्स टेन में आ ही नहीं पाते और यहाँ का बेस्ट रूम भी इन्हें नहीं मिलता। वो ये हुआ से कहती है, ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम इंगेज है इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करती। यह हुआ पैशन के और करीब आता है। पैशन यह हुआ को खुश करने के लिए कहती है, देखो तुम फॉक्स टेन में इतने टाइम से हो, तुम यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत हार्ड वर्क से डील करती हो, तुम तो हमारे लिए खाना भी बनाती हो, इसलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो भी तुमने हमारे लिए किया मुझे सब याद है। कहते हैं लेना देना चलता है, अगर तुम मुझे पीस दोगे तो मुझे तुम्हें प्लम देना होगा, अगर मेरे पास प्लम नहीं होगा तो मुझे तुम्हें उसका सब्स्टिट्यूट देना होगा। हम एंगेज है, अगर कोई और होता तो वो मुझे ऐसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता जैसा तुम करते हो। ये हुआ रोमांटिक मोड में, अपना माथा भाईजान के माथे पर रख के कहता है, मैंने कभी किसी के लिए खाना नहीं बनाया, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खाना बनाया है। भाईजान ये हुआ कर गाल पकड़ के कहती है, तुम्हारे कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तुम अपॉर्चुनिटी ढूंढना ताकि तुम अपने फादर मदर ग्रैंडफादर के लिए खाना बनाओ, इससे तुम उनके लायक बेटे बनोगे। ये वो कहता है, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि हम एंगेज है, मैं यहाँ चिंचू में रहने इसलिए नहीं आया क्योंकि आली तुम्हें बहुत मिस करता है। भाषण कहती है, ओह सो कुकिंग तुम्हारी हॉबी है, ये तो बढ़िया है, ये वाकई में प्रैक्टिकल है। यह हुआ गुस्से में भाषण को लिटाकर जैसे उसे किस करने जाता है, भाषण छिटपटाती है। ये हुआ कहता है, श्यान आई लव यू। भाषण मन में कहती है, आज हो क्या रहा है, थाउजेंड ऑफ इयर्स से मैं प्यार में नहीं पड़ी, अब मेरे पास दो है, एक के बाद एक, दोनों कह रहे हैं कि मैं उन्हें पसंद हूँ, छल कह रहा है। वो कहती है, ऐसी बात में मजाक करना ठीक नहीं। ये वो कहता है, मैं लाइफ में कभी भी इससे ज्यादा सीरियस नहीं हुआ हूँ, बिना प्यार के लोग सिर्फ मैरिड बनकर लंबे टाइम तक रह सकते हैं, बट मैं तुम्हें लॉन्ग टाइम तक प्यार करना चाहता हूँ। वो उसे जैसे ही दोबारा किस करता है, पहचान उसे रोक कर कहती है, मेरे पेरेंट्स से कहा था कि शादी के बाद कपल्स एक साथ लंबे टाइम तक रह सकते हैं, रोमांस धीरे धीरे कम होने लगता है, तुम स्लोली हमारी फैमिली बन गए, देखो तो हम फैमिली बन के रह रहे हैं ना, सो हमें ये मिडिल पार्ट स्किप करना होगा, तुम्हें क्या लगता है? यह हुआ कुछ कह नहीं पाता। पहचान उसे थपथपा के कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जैसी एज पे तुम्हें कुछ रिलेशनशिप से गुजरना पड़ता है, सो तुम्हारी फीलिंग्स अभी तक मेरे लिए इतनी स्ट्रांग नहीं है कि तुम उन्हें बुला ना सको, जब तुम मेरी एज के होगे तो समझोगे, तुम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, बाद में तुम्हें लव में इंटरेस्ट नहीं होगा, ये वो दुनिया है जहाँ टॉप में रहना लोनली है। मैं हमेशा से सोचती थी कि इस एंगेजमेंट की वजह से हम बंधे हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत अनफेयर है, तुम अभी बहुत यंग हो, बट तुम्हें इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं, अगर हमारी वाकई में शादी होती है तो मैं तुम्हारे लिए और अरेंजमेंट कर दूंगी ताकि तुम यंग और ब्यूटीफुल और वाइफ बना लो। ये हुआ दुखी मन से पूछता है, क्या तुम वो कह रही हो जो तुम फील कर रही हो? भाईशान एग्री करती है। ये हुआ कहता है, तो तुम मुझे ये सब अपसेट करने के लिए कह रही हो? भाईशान मन में सोचते हुए कहती है, क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ टाइम लेना होगा इन सब के बारे में सोचने के लिए। ये हुआ भाईशान का गाल पकड़ते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। वो भाईशान को रेस्ट कराते हुए कहता है, आली सेलेस्टियल पैलेस में वापस चला गया है, वो कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक होगा, मैं भी तुम्हें वहाँ ले जाना चाहता हूँ। हेवन स्पेल लॉर्ड ऑफ ट्रेजर का स्प्रिंग है जो तुम्हारे जख्मों को हील करेगा, बट वो बात हमारे बीच आ रही है, सो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें वहाँ जाना है या नहीं। भाईशान कहती है, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। ये वो कहता है, तुम सो जाओ। भाईशान सोती है। यहाँ ये हुआ फाइनली मोयुवान को देखकर सोचता है, अगर मैं खुद मोयुवान को नहीं देखता तो मैं कभी बिलीव ही नहीं करता कि कोई मेरी तरह इतना कैसे देख सकता है। श्यान क्या तुम मुझे हाई गॉड मोयुवान की तरह देखती हो, इसलिए तुमने मुझे चिंचू में रहने के लिए अलाउ किया? यहाँ हेवंस में दीपेंग ये हुआ से कहता है, श्वानु और कुल्लून माउंटेन का इल फिटेड रिलेशन है, मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ एक बात का रिग्रेट है कि हम सभी उसके स्कीम में 70,000 ईयर्स पहले फंस गए और मैंने उसे कुल्लून माउंटेन में रखा जिससे वो टैक्टिकल फॉर्मेशन को चुरा पाई, उसकी वजह से मास्टर और सेलेस्टियल के बहुत सारे सोल्जर्स मरे। ये वो कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, सीएन पहले मोयुवान की बॉडी को ले कैसे गई, वो भी सभी डिसिप्लिन की नजरों से बचाकर। दीपेंग बताता है, मुझे इसमें शर्म आती है, 70,000 ईयर्स पहले मास्टर ने अपनी सोल को सैक्रिफाइस किया ताकि वो बेल ऑफ ईस्ट एम्परर को सेल कर दे, वो सीएन ही था जिसने हम सभी डिसिप्लिन को ड्रंक किया और वो मास्टर की बॉडी कुल्लून माउंटेन से ले गया। हम सब दुख में थे, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि सीएन ऐसा करेगा, बट मैं एक बात जानता हूँ कि सीएन मास्टर की बॉडी को सी ऑफ इनिसेंस में दफनाना नहीं चाहता था क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करना चाहता था कि मास्टर अब नहीं रहे। ये वो पूछता है,
तुम्हें क्या लगता है कि सीएस अभी डिसिप्लिन को पिछले 70,000 ईयर से अवॉइड क्यों कर रहा है? स्टीफन कहता है पता नहीं, बट सीएन को जितना जानता हूँ वो पिछले 70,000 ईयर से सामने नहीं आया। या शायद उसके पास कोई ऐसा रास्ता हो जिससे मास्टर वापस आ जाए। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन ना हो तो मैं वैसे ही वापस जा रहा हूँ। मेरी मदर ने मुझे रोते हुए लेटर कुछ दिन पहले लिखकर भेजा है। उन्होंने इसमें बताया है कि मेरे ब्रदर की बीमारी और खराब होती जा रही है। इस वक्त मुझे वापस जाकर उन्हें देखना होगा। ये वो पूछता है हुआ क्या। दीपेंग बताता है मेरे ब्रदर की बीमारी पता नहीं कहाँ से आ गई। वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। फॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले जियान ने उन्हें देखा। होपफुली वो बीमारी का कारण पता लगा ले। ये वो कहता है अगर जियान है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ नए नए आली को खिलाते हुए सुलाती है। तभी भाई ये हुआ आकर कहता है रूम साफ करवा दो, कल यहाँ कोई रहने के लिए आ रहा है। नायना पूछती है हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ। ये वो कहता है जब से आली ने उसे देखा है वो बहुत खुश हुआ है, वो उसे कहीं और रहने नहीं देगा। नायना पूछती है क्या वो हाई गॉडेस है। आली ने सोने से पहले उनका नाम कई बार लिया। उन्होंने तो ये भी कहा कि उन्हें चिंगचू में मदर के साथ खाना बहुत पसंद था और वो उन्हें टॉयज के साथ फूड भी मार्केट से दिलाती थी। इन्होंने तो ये भी कहा कि सेलेस्टियल पैलेस से ज्यादा उन्हें वहाँ पसंद आया। ये हुआ सुनकर खुश होकर जाता है। नायना मन में सोचती है हाइनेस ने 300 ईयर से किसी को भी यहाँ आने नहीं दिया। क्या शायद इसलिए कि हाई गॉडेस सेलेस्टियल की नेक्स्ट क्वीन बनने वाली है, इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। यहाँ सूजन म्याओ से कहती है मैंने सुना क्राउन प्रिंस वापस लौट आए हैं। म्याओ मुंह बनाकर कहती है वो फिर से चले गए। सूजन कहती है क्या कहीं वो दोबारा चिंगचू तो नहीं चले गए। म्याओ एग्री करती है। सूजन कहती है क्या तुमने क्राउन प्रिंस से बात की। म्याओ मना करती है। सूजन उसका हाथ पकड़ के कहती है कोई बात नहीं और अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी। वो सेलेस्टियल की क्राउन प्रिंस है, वो ज्यादा टाइम चिंगचू में नहीं रहेंगे। भले ही बादशाह चिंगचू की क्वीन क्यों ना हो उन्हें शिवो पैलेस में एक ना एक दिन आना होगा। आफ्टर ऑल वो क्राउन प्रिंसेस वाइफ होंगी, हमें वेट क्वाइटली करना होगा। म्याओ एग्री करती है। सूजन कहती है तुम अब मुझे डिसअपॉइंट मत करना। यहाँ वायशान सोकर उठती है। वो सोचती है पता नहीं मास्टर की बॉडी कैसी होगी, मैं एक बार देख कर आती हूँ। वो जैसे ही उठकर जाती है तभी मेरे को पूछता आंट आप उठ क्यों गई। वायशान कहती है मैं मास्टर को देख कर आती हूँ। क्या ये मॉर्टल्स ने डॉक्यूमेंट भेजे है ये हुआ के लिए। मेगू एग्री करके कहता है जब से हेवनली लॉर्ड क्राउन प्रिंस को थ्रोन पे बिठाना चाहते हैं तब से ये डॉक्यूमेंट पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि क्राउन प्रिंस आपका कुछ दिनों से ख्याल रख रहे हैं। वो तो ये डॉक्यूमेंट देख ही नहीं पा रहे, मैं बस ये ऑर्गेनाइज करने में उनकी हेल्प कर रहा हूँ। भाषण पूछते ये हुआ कहा है। मेगू बताता है वो सेलेस्टियल पैलेस वापस चले गए, अब वो आने ही वाले हैं। भाषण कहती है तुम काम करो मैं यनुआ केव जा रही हूँ। यहाँ भाषण मोयुआन की बॉडी के पास पीजस प्लान लगाकर मोयुआन से कहती है मेगू आपका अच्छे से ख्याल रखेगा। मास्टर 300 इयर्स पहले जिया ने कहा था कि आप जल्दी उठेंगे। 300 इयर्स बीत गए हैं बट आप अभी हिले तक ही नहीं। पता नहीं कि वो झूठ कह रहा था या नहीं। हर दिन मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा होगा जब आप वापस लौटेंगे तो हम और सभी डिसिप्लिन फिर से एक साथ होंगे। वो बाहर से अपने मास्टर को ग्रीट करती है। यह भाषण कहती है चाहे मैं जैसा भी दिखूं चिंगचू की सीनरी ही बेस्ट है, बट बुरा हुआ जब से ये हुआ यहाँ फॉक्स टेन में आया है वो हर रोज हमारे लिए खाना बनाती है, मुझे तो चांस ही नहीं मिला उन्हें थैंक्स कहने के लिए। यहाँ बायशान लेक में जाती है। तभी वह ये हुआ आता है, वो बायशान को पानी में जाता देख शॉक होता है। उसे बायशान की फ्लैशबैक भी याद आते हैं जब वो सोसू थी और उसे छोड़कर जोशिन टेरिस में वो गिरी। यह हुआ अपनी पार से बायशान को खींचकर गले लगा कर कहता है शियान। बायशान कहती ये हुआ। तभी ये हुआ उसके कसके पकड़ के किस करता है। बायशान उसे हटा कर कहती ये हुआ तुम कर क्या रहे हो। ये हुआ डर से कहता है मुझे लगा कि तुम लेक में कूदने वाली हो। बायशान कहती है बहुत गर्मी है तो मैं। ये हुआ उसे और कसके पकड़ के कहता है शियान मैं कभी भी तुम्हें। वो घबराता है, उसकी रोने वाली हालत होती है। बायशान कहती है मुझे लगा तुम तो अपने रूम में डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे, तुम यहाँ एकदम से सडनली कैसे आ गए। ये हुआ कहता है जब मेगू तुम्हें डिनर देने गया उसने देखा तुम वहाँ नहीं हो तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ढूंढूं। बायशान कहती है चलो वापस। जाते वक्त बायशान सोचती है जब से हम ग्रैंड स्विमिंग पैलेस से वापस लौट कर आए हैं ये हुआ ने मुझसे एक बार भी मास्टर के बारे में नहीं पूछा, बड़ी अजीब बात है। तभी वहाँ सामने से जियान और बायजन आते हैं। बायजन पूछता है सिस्टर क्या तुमने ड्रिंक की है, तुम इतनी लाल क्यों लग रही हो। वो उसे छेड़ता है। ये हुआ बायशान को देखकर खूब मुस्कुराता है। बायशान कहते हैं चिंगचू की सीनरी बहुत नाइस है तो मैं क्राउन प्रिंस को यहाँ घुमाने ले आए। जियान हस्की कहता है सन लाइट ब्रीज और लोटस की खुशबू डेट के लिए सब परफेक्ट जगह है। बायशान और ये हुआ दोनों कुछ नहीं कहते। तभी जियान बताता है पीफांग ने लेटर भेजा कि तुम अधमरी पड़ी हो, हम दोनों ने सोचा कि बहुत रेयर है तो हम तुम्हें यहाँ देखने चले आए। बायशान कहती है जब मैं लास्ट टाइम अधमरी थी तो मैंने मैनर्स में कमी कर दी थी, मैं तुम्हें बिना देखे ही बेहतर हो गई, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट बट मैं बहुत हैवीली इंजर्ड हुई हूँ बट इतनी भी अधमरी हालत में नहीं हूँ, आई एम सॉरी कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। सियान पूछता है ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया है।
तो मैं एक ट्रेजर आइटम तुम्हें देता हूँ जिससे तुम्हारा गुस्सा कम हो। ये फैन तुम्हारे लिए। वह सी के वाटर किंग ने ये पेंट खुद किया है। तुम्हारा लक बहुत अच्छा है। ताशार फैन खोल कर कहती है, ओल्ड फीनिक्स को पता है कि गिफ्ट के साथ माफी मांगनी चाहिए। तुम वाकई में बहुत स्मार्ट हो, पर तुम लोग वैसी किस लिए गए? बाइजेन बताता है, कुछ दिन पहले मुझे वैसी के सेकंड प्रिंस टीफेंग मिले। उन्होंने कहा कि वो जियान से फेवर चाहते हैं, सो हम वहाँ गए। पैशन कहती है, सीनियर को कुछ चाहिए? जियान शॉक होकर कहते हैं, ओह तो तुमने ये हुआ को सब बता दिया। तुमने हमें अपने कनेक्शन को छुपाने के लिए कहा, जो भी इवेंट्स कुरुन माउंटेन में इतने सालों से हो रहे हैं, सो हमें अब झूठ कहने की अब कोई जरूरत नहीं। पैशन बताती है, कुछ दिन पहले श्वानु ने मास्टर की बॉडी को चुरा लिया था। ये हुआ ने उन्हें वापस लाने में मेरी हेल्प की। सियान कहता है, हम वैसे ही जाकर बहुत थक गए हैं, हम अंदर चलकर फॉक्स ट्रेन में बात करते हैं। यहाँ चलते वक्त ये हुआ पैशन से कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इनकी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा होगी। आई गॉड जियान वाकई में बहुत केपेबल है। पैशन कहती है, वो मुझसे बहुत बड़े हैं, उनके साथ गुस्सा होना ठीक है। अगर यंग इमॉर्टल मुझे अपनी बातों से दुखी कर दे तो मैं तो उनके साथ लड़ने पहुंच जाती। ये हुआ कहता है, काश तो मेरे साथ हर बात के लिए लड़ती। पैशन कहती है, मैं तुमसे किस बात के लिए लड़ूं? तभी पीछे से मीगू आकर बताता है, आन गोस्ट लॉर्ड लीजिंग आपसे मिलने आए हैं, उन्होंने एंट्रेंस पे ऑलरेडी आधे दिन आपका वेट किया। ये हुआ कहता है, वो चाहता क्या है? सियान कहता है, परफेक्ट टाइमिंग, आज का लक बहुत अच्छा है, बहुत टाइम के बाद आज यहाँ सभी आए हैं। पैशन कहती है, उसे केव के बाहर ही पका दो। मीगू कहता है, आंट वो एंट्रेंस पे आपका वेट कर रहे हैं, वो अंदर नहीं आए हैं। पैशन कहती है, रहने दो, जब उसे जाना होगा तब वो चला जाएगा। सियान कहता है, तुम्हें सब रिजॉल्व करना होगा, इतना लंबा खींचने से बात और चिंता दोनों बढ़ेगी। अगली बार ढूंढने से तो अच्छा है कि तुम आज ही सब सॉल्व कर दो। पैशन कहती है, हमारे बीच सॉल्व करने के लिए बचा गया है, सब कुछ बहुत पहले ही सॉल्व हो गया। ये हुआ सुनकर मुस्कुराते हुए अंदर जाता है। अंदर ये हुआ और पैशन दोनों गेम खेलते हैं। ये हुआ कहता है, तुम्हारा भाई वापस आ गया है, सो उन्होंने स्टडी रूम ले लिया है, मैं आज रात डॉक्यूमेंट्स पढ़ नहीं पाऊंगा, सो इसलिए तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। पैशन खेलते खेलते नींद में होती है। ये हुआ कहता है, मैं मीगू को कहकर तुम्हारे लिए कपड़े पैक करवा लेता हूँ, कल तो मेरे साथ सेलेस्टियल पैलेस चलना। पैशन खेलते खेलते सो जाती है। ये हुआ उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जगह एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट कोरियन.जगह। थैंक यू।